हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ओम वीरभद्रेश्वराय नमः। भक्तों, ये मंत्र भगवान भोलेनाथ के उस स्वरूप का है जिसके आगे कोई नहीं टिकता। महादेव को भोलेनाथ इसलिए कहते हैं क्योंकि वो भक्त वत्सल हैं और क्षण भर में ही अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। किंतु जब वो रुष्ट होते हैं तो उनके भय से पूरा ब्रह्मांड कांप उठता है। महादेव के व्यक्तित्व का ये भयानक परिवर्तन इस बात का परिचायक है कि कभी भी किसी की शांति एवं धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जो अपने भक्तों की भक्ति के अधीन हो, सब कुछ क्षण भर में देने वाले भोले हैं, वो गलत देखकर पल भर में अपने क्रोध के अधीन सब कुछ सर्वनाश करने में भी नहीं चूकते। हमारे कार्यक्रम दर्शन से जुड़े सभी भक्तों का तिलक परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, आज हम आपको भोलेनाथ के उसी रौद्र स्वरूप स्थान के दर्शन करवाने जा रहे हैं जहां आदि काल में महादेव ने अपने ही स्वरूप वीरभद्र को शांत किया था। तो आइए आज दर्शन करते हैं ऋषिकेश के समीप स्थित श्री वीरभद्र महादेव मंदिर के। तपोस्थली, योग भूमि, प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत भगवान भोलेनाथ की प्रिय भूमि उत्तराखंड के ऋषिकेश शहर से कुछ ही दूरी पर स्थित वीरभद्र क्षेत्र में स्थित है भगवान शिव के रौद्र स्वरूप वीरभद्र को समर्पित वीरभद्र मंदिर। सर, ये मंदिर बहुत प्राचीन सिद्धपीठ मंदिर है, ऋषिकेश के सबसे प्राचीन वीरभद्र मंदिर ही है। आदि काल से स्थित इस मंदिर का निर्माण 1300 वर्ष प्राचीन बताया जाता है, जिसका समय समय पर जीर्णोद्धार होता गया। मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान शिव वीरभद्र का क्रोध शांत कर शिवलिंग रूप में विराजमान हो गए थे और तभी से ये मंदिर वीरभद्र मंदिर के नाम से विख्यात हुआ। लोगों की आस्था है कि भोलेनाथ के इस प्राचीन सिद्धपीठ में सच्चे मन से मांगी गई सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। श्रद्धालु मंदिर परिसर के बाहर स्थित दुकानों से भोग प्रसाद एवं पूजा सामग्री लेकर मंदिर के भव्य प्रवेश द्वार से मंदिर में प्रवेश करते हैं। यहाँ प्रवेश करते ही श्रद्धालु जैसे जैसे गर्भगृह की ओर आगे बढ़ते हैं, उन्हें यहाँ फैली हुई दिव्य ऊर्जा का अनुभव होता है। और अब आता है वो स्थान जहाँ की पौराणिक कथा को जानकर हर कोई भगवान भोलेनाथ की भक्ति में और अधिक लीन हो सुख का अनुभव करता है। मंदिर का गर्भगृह जहाँ आदि अनादि काल से विराजित हैं भगवान भोलेनाथ अपने रौद्र स्वरूप वीरभद्र महादेव के रूप में। भक्तगण महादेव के दर्शन कर अपने सभी कष्टों के निवारण एवं सभी मनोकामनाओं की पूर्ति की भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। गर्भगृह में वीरभद्र महादेव के समीप ही उनका परिवार अर्थात देवी पार्वती, पुत्र गणेश जी एवं कार्तिकेय जी भी विराजमान हैं। गर्भगृह की दीवारों पर भगवान भोलेनाथ की लीलाओं का बहुत ही सुंदर एवं आकर्षक चित्रण किया गया है। गर्भगृह के द्वार पर वीरभद्र महादेव का पवित्र मंत्र भी अंकित किया गया है तथा सामने ही नंदी जी महाराज की सुंदर सुनहरी प्रतिमा विराजमान है। भक्तों, ऋषिकेश के समीप वीरभद्र शहर में स्थित वीरभद्र महादेव मंदिर के इतिहास की बात करें तो यहाँ स्थित शिवलिंग आदिकाल से है। महादेव के रौद्र स्वरूप वीरभद्र के प्राकट्य एवं इस मंदिर के इतिहास से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार हरिद्वार के कनखल में दक्ष प्रजापति ने एक भव्य विशाल यज्ञ का आयोजन किया था जिसमें सभी देवी देवता आमंत्रित थे, किंतु भगवान शिव को अपना घोर शत्रु मानने वाले राजा दक्ष ने अपनी बेटी सती तथा जमाता भगवान शिव को यज्ञ का आमंत्रण नहीं भेजा और भगवान शिव के मना करने के बाद भी माता सती उस यज्ञ में चली गई, क्योंकि माता सती का मानना था कि वो उन्हीं का घर है तो आमंत्रण कैसा।
यज्ञ में पहुंचकर माता सती ने सभी देवी देवताओं को देखा, किंतु उनके पति भगवान शिव का वहां कोई स्थान नहीं था। और माँ सती ने राजा दक्ष से जब इसका कारण पूछा, तो राजा दक्ष ने भगवान शिव के लिए कई अपशब्दों का प्रयोग किया, जो देवी सती सहन न कर सकी और उसी यज्ञ कुंड की अग्नि में अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब भगवान शिव को ये ज्ञात हुआ, तो उन्होंने क्रोध में अपने सिर से एक जटा उखाड़कर उसे रोष पूर्वक पर्वत के ऊपर पटक दिया, तथा उस जटा के पूर्व भाग से महादेव के रौद्र स्वरूप महाभयानक वीरभद्र प्रकट हुए। भगवान शिव के आदेशानुसार उनके वीरभद्र अवतार ने राजा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काटकर उसे मृत्युदंड दिया, जिनको सबकी स्तुति पर भगवान शिव ने बकरे का सिर लगाकर पुनः जीवित कर दिया। फिर भी वीरभद्र का क्रोध शांत ना हुआ। इस तरह क्रोध से ओतप्रोत वीरभद्र जब ऋषिकेश के इस स्थान पर पहुंचे, तो वहां भगवान शिव ने उन्हें गले लगाकर उनका क्रोध शांत किया, जिससे वीरभद्र महादेव में समा गए तथा इसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में विराजमान हो गए। तब से ये क्षेत्र वीरभद्र क्षेत्र और इस मंदिर को वीरभद्र महादेव मंदिर के रूप में जाना जाता है। वीरभद्र का भयंकर स्वरूप था, तो उस स्वरूप को देख करके डर जाते हैं, तो उन्होंने क्या किया, आंख बंद करके अपने स्वरूप को शिवलिंग रूप में परिवर्तन कर लिया। तब से ये शिवलिंग आज तक यही है। और आप देख सकते हैं, ऐसा कहते हैं कि जब युद्ध के दौरान जो वीरभद्र जी को चोट के निशान आए, क्योंकि युद्ध तो विकराल युद्ध, घनघोर युद्ध हुआ था, तो वह चोट के निशान आज भी शिवलिंग पे विद्यमान है। आप वर्तमान समय में भी देख सकते हैं। और इस शिवलिंग की विशेषता ये कि दो पार्टीशन में शिवलिंग है। कहते हैं कि भगवान शंकर प्रसन्न होकर के वीरभद्र से गले मिले, तो यहाँ पर इसलिए इस मंदिर का नाम वीरभद्र महादेव भी रख दिया गया है। भक्तों, इस मंदिर का निर्माण लगभग 1300 वर्ष प्राचीन माना जाता है। वर्ष 1975 में आर्कियोलॉजिकल विभाग द्वारा यहाँ खुदाई कराए जाने पर पता चला कि ये नगर पहली सदी के समय का है। यहाँ हुई खुदाई में पहली सदी से 8वीं सदी के बीच के अवशेष मिले हैं। यही नहीं, मंदिर के आसपास के क्षेत्र में जब भी खुदाई हुई या होती है, तो वहाँ पर बहुत से शिवलिंग निकलते हैं। कहा जाता है कि जब वीरभद्र यज्ञ ध्वंस करने के उपरांत ऋषिकेश आए थे, तो उनके साथ अन्य बहुत से शिवगण भी आए थे, इसलिए खुदाई में निकले ये शिवलिंग उन्हीं शिवगणों का स्वरूप हैं, जिन्हें क्षेत्रपाल भी कहा जाता है। वीरभद्र नगर एक धार्मिक धरोहर होने के साथ ही एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में स्थापित है। जब आप इस मंदिर में भगवान वीरभद्र के दर्शन करने आते हैं, तो आपको यहाँ विराजित हनुमान जी, संतोषी माता एवं शनिदेव भगवान के भी दर्शन होते हैं। मंदिर परिसर में कुछ पुराने पीपल एवं बरगद के वृक्ष भी हैं, जहां नीचे महादेव अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान होकर भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि डाल रहे हैं। परिसर के द्वार से प्रवेश करते ही यहां भगवान भोलेनाथ की बहुत ही सुंदर प्रतिमा के दर्शन होते हैं। भक्तों, इस मंदिर का परिसर बहुत ही विशाल एवं सुंदर है, जहां आकर आपको आध्यात्मिकता के साथ साथ यहां पर चारों ओर फैले प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। मंदिर की सुंदर वास्तुकला 7वीं शताब्दी के आसपास की बताई जाती है। मंदिर परिसर के पीछे की ओर एक बहुत ही अद्भुत स्थान है, जहां एक प्राचीन विशाल पीपल के वृक्ष के तने में महादेव शिवलिंग के रूप में विराजित हैं। ये शिवलिंग भी इस क्षेत्र की खुदाई के समय ही यहां प्रकट हुआ था। वृक्ष के तने में शिवलिंग रूप में इस प्राकृतिक मंदिर की बनावट तथा इसके बीच में विराजित भोलेनाथ को देखकर हर कोई आश्चर्यचकित हो जाता है और भगवान शिव की महिमा समझकर भाव विभोर हो उठता है। पीछे शिवलिंग है, वह प्रकृति का एक सौंदर्य है। आप देख सकते हैं कि प्रकृति ने कैसे अपने पीपल का वृक्ष होता है, हमेशा आपने देखा कोई भी वृक्ष ठोस होता है, लेकिन वह वृक्ष कैसा है, इस तरीके से बना हुआ है। ऊपर तो पूरा ठोस है, लेकिन बीच में गैप है। तो जब शिवलिंग थी, तो भगवान शिव के शरणागति में तो सभी हैं, तो उन्होंने क्या किया कि वो जो है उसके तीन गेट भी हैं, आपने देखे होंगे, तो तीन गेटों में स्वतः ही डिवाइड है। वो कहते हैं वहाँ तीन पेड़ हैं, एक पेड़ नहीं, आपने पीपल तो देखा ही, लेकिन वहाँ बट वृक्ष भी है, पीपल भी है और नीम भी है, तीनों वृक्ष त्रिवेणी पेड़ है वहाँ पर। भक्तों, इस पौराणिक वीरभद्र मंदिर से जुड़ी एक जनश्रुति के अनुसार कुछ विशेष पर्वों जैसे पूर्णमासी, शिव चौदस व अमृत सिद्धि योग के समय
मंदिर की घंटियां स्वयं ही बजने लगती हैं। इसका अनुभव यहां उपस्थित भक्तों एवं पुजारियों द्वारा कई बार किया गया है। लोगों का मानना है कि इस समय देवता स्वर्ग से उतरकर इस मंदिर में पूजा करने आते हैं, इसी कारणवश मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं। भक्तों, वीरभद्र महादेव मंदिर के द्वार दर्शन पूजन के लिए प्रतिदिन प्रातः 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुले रहते हैं। इसके साथ ही यहां प्रतिदिन 2 आरतियां होती हैं। प्रथम आरती प्रातः 5:30 बजे तथा दूसरी आरती सायं 7:30 बजे होती है। इस आरती का दर्शन यहां आने वाले भक्तों को दिव्य आत्मानुभूति करवाता है। अगर त्योहार की बात करें तो भगवान भोलेनाथ को समर्पित श्रावण मास में वीरभद्र महादेव मंदिर का आकर्षण देखते ही बनता है। दूर दूर से भक्त भोलेनाथ के दर्शन प्रसन्न करने यहां आते हैं और महाशिवरात्रि के पर्व पर तो इस मंदिर की छटा दर्शनार्थियों एवं श्रद्धालुओं को मंत्र मुग्ध कर देने वाली होती है। इन उत्सवों पर यहां भव्य मेले का भी आयोजन होता है। इस दिन मंदिर के आसपास ही नहीं अपितु दूर दूर से आए सभी भक्त शिवमय होकर भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो जाते हैं। आप वीरभद्र महादेव मंदिर के साथ ही समीप स्थित ऋषिकेश के प्रसिद्ध त्रिवेणी घाट, त्र्यंबकेश्वर मंदिर, लक्ष्मण झूला, भरत मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। भक्तों, तीर्थ नगरी ऋषिकेश अपने प्राकृतिक सौंदर्य, योग, पौराणिक मंदिरों एवं साहसिक खेलों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ऋषिकेश शहर ने अपनी पहचान उत्तराखंड के एडवेंचर टूरिज्म स्टेशन के रूप में बनाई है। ट्रैकिंग, कैंपिंग, रिवर राफ्टिंग जैसी गतिविधियों के अतिरिक्त यहाँ पर यात्री बंजी जंपिंग और माउंटेन क्लाइंबिंग करते हुए देखे जा सकते हैं। ये सभी गतिविधियाँ अक्टूबर से मार्च के महीने तक यहाँ अधिक रहती हैं। भक्तों, यदि आप उत्तराखंड के ऋषिकेश शहर के समीप वीरभद्र क्षेत्र में स्थित वीरभद्र महादेव मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो आप यहां तक देश के विभिन्न शहरों से हवाई, रेल एवं सड़क मार्गों के माध्यम से आसानी से पहुंच सकते हैं। यदि आप उत्तराखंड ऋषिकेश में स्थित वीरभद्र महादेव मंदिर की यात्रा हवाई मार्ग से करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको देहरादून के जॉली ग्रांट हवाई अड्डे की यात्रा करनी होगी। यहाँ के लिए दिल्ली, मुंबई आदि प्रमुख शहरों से फ्लाइट आसानी से मिल जाती हैं। हवाई अड्डे से आपको मंदिर की यात्रा के लिए टैक्सी मिल जाएगी। अगर आप उत्तराखंड ऋषिकेश के समीप स्थित वीरभद्र महादेव मंदिर की यात्रा रेल मार्ग से करना चाहते हैं तो ऋषिकेश देश के कई प्रमुख शहरों से रेल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। अतः आप ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पहुंचकर यहां से बस अथवा टैक्सी द्वारा वीरभद्र महादेव मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। और अगर आप उत्तराखंड ऋषिकेश के समीप स्थित वीरभद्र महादेव मंदिर की यात्रा सड़क मार्ग से करना चाहते हैं तो ऋषिकेश एवं हरिद्वार शहर देश के हर बड़े शहर से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। अतः आप सरकारी या निजी वाहन द्वारा यहां पहुंचकर वीरभद्र महादेव मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप उत्तराखंड ऋषिकेश स्थित वीरभद्र महादेव मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। इति शुभम।